हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ऑफ क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी, जिसके अंडर हम लोग सोल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 से, जो कि आप देख सकते हैं। यह है प्रूव दैट इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x करेंगे। ये मेरा क्या है, LHS है, ये मेरा RHS है। तो हम लोग यहाँ पे किससे चलेंगे, RHS से चलेंगे। तो RHS मेरा है हाफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देन आर ये मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स। tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा, रूट एक्स। देन हम लोग मेरा RHS क्या हो जाएगा, RHS हाफ cos इनवर्स 1 - tan² θ अपौन 1 + tan² θ। ना हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। डायरेक्ट होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x². ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। देन मेरा क्या हो जाएगा, हाफ cos इनवर्स 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। x के जगह पे मेरा क्या है, tan थीटा। देन हाफ हाफ मेरा क्या हो गया, कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है मेरा, थीटा। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा मेरा कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग निकाले थे tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स। देन यहाँ से हम लोग थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, थीटा आ गया। RHS मेरा क्या हो गया, RHS मेरा हो गया थीटा, थीटा मेरा हो गया tan इनवर्स रूट एक्स, थीटा tan इनवर्स रूट एक्स। ये मेरा क्या था, LHS। देन मेरा क्या हो गया, RHS इक्वल टू LHS और LHS इक्वल टू RHS। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin x। इनवर्स cot इनवर्स ये मेरा है 1 √ 1 + sin x। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, 1 = क्या होता है, साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे 1 के जगह पे ये लिखेंगे, एंड साइन x इक्वल टू 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2। साइन 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इस तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये इतना हो जाएगा एक, फिर प्लस क्या हो जाएगा मेरा, इधर मेरा माइनस में चला जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इन प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2। इस तरह से जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 2 sin x/2 इंटू
कॉस एक्स वाई टू माइनस, यहाँ पे माइनस बीच में है, साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू, इतना हो जाएगा मेरा। देन कॉट इनवर्स, अब क्या हो जाएगा, ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सारे को हम लोग लिखेंगे साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, स्क्वायर रूट। अब सब में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन मेरा क्या बच जाएगा, साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू, इतना बचेगा, प्लस इधर हो जाएगा मेरा कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू माइनस, यहाँ पे है माइनस हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन टू, इस तरह से हो जाएगा मेरा, साइन एक्स कैंसिल, यहाँ कॉस एक्स कैंसिल, मेरा कॉट कॉट इनवर्स, मेरा कौन सा टर्म बचा, दो ऊपर कॉस का, तो टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाई टू साइन एक्स अपॉन टू, टू टू कैंसिल आउट हो गया, कॉस अपॉन साइन मेरा क्या होता है, कॉट कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपॉन टू, कॉट इनवर्स कॉस कॉट एक्स अपॉन टू, वेयर हम लोग क्या जानते हैं, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा देन हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, थीटा के जगह पे मेरा क्या है एक्स अपॉन टू आ गया, आर एच एस, देन एल एच एस इक्वल टू आर एच, नंबर 11 क्या है, टैन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ कंडीशन वन अपॉन रूट टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ एंड पुट, यहाँ पे दिया हुआ है मेरा टू कॉस टू थीटा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट करेंगे देन मेरा क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा वन प्लस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वन प्लस देन वन प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है मेरा, टू कॉस स्क्वायर एंड वन माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू टू थीटा मेरा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा, इतना मेरा होता है, ये फॉर्मूला होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, देन मेरा क्या हो जाएगा, टेन इन, तो ये मेरा क्या है, एल एच एस है, ये एल एच एस, ये मेरा आर एच एस, देन हम लोग इसमें क्या मानेंगे, एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, देन वन प्लस कॉस एक्स में वन प्लस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वन माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, देन हम लोग अगर सारे का वैल्यू पुट करते हैं देन टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ
वन माइनस वन प्लस एक्स के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स मतलब वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रखते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स मेरा टू साइन स्क्वायर थीटा आया, टू साइन स्क्वायर थीटा हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं अपॉन फिर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स मेरा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया वन माइनस एक्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आएगा मेरा। अब मेरा क्या हो जाएगा टेन रूट टू मिलकर कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा अपॉन रूट टू कॉस थीटा प्लस यहाँ सॉरी प्लस था रूट टू साइन थीटा, इतना होगा मेरा। अगर हम यहाँ से रूट टू कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देते हैं देन टेन इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतना कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा अगर हम लोग कॉमन लेते हैं देन मेरा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस थीटा कॉमन लेते हैं देन वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लिए कॉस थीटा कैंसिल हो गया देन टेन इनवर्स मेरा क्या हो गया वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। अब ये क्या हो गया टेन थीटा, वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन पाई अपॉन फोर इक्वल टू वन, देन क्या हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स टेन पाई अपॉन फोर माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस वन प्लस वन इंटू टेन थीटा, यहाँ पे वन इंटू टेन थीटा तो वन के जगह पे टेन पाई अपॉन फोर इंटू टेन थीटा, ये एक फॉर्मूला पे हो गया मेरा टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी मेरा क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे देन मेरा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई ए के जगह पे पाई बाई फोर माइनस थीटा, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब यहाँ पे मेरा टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा के जगह पे मेरा क्या है पाई बाई फोर माइनस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा देन पाई बाई फोर माइनस थीटा, इतना हो गया टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब थीटा मेरा कितना है इक्वल टू कॉस टू थीटा माने थे देन टू थीटा मेरा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स देन थीटा हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स, थीटा हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे पाई अपॉन फोर माइनस थीटा हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ये मेरा क्या हो गया आर एच एस, यही तो मेरा लाना था, ये मेरा आर एच एस, ये मेरा आर एच एस, देन क्या हो गया मेरा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा साइन इनवर्स में है, ये भी मेरा साइन इनवर्स में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं नाइन पाई अपॉन एट इक्वल टू, इसको हम लोग इधर लेकर चले जाते हैं देन नाइन अपॉन फोर साइन इनवर्स टू रूट टू अपॉन थ्री प्लस नाइन अपॉन फोर साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री, इस टर्म को हम लोग इधर लेकर आ गए देन अब मेरा क्या हो गया ये मेरा हो गया एल एच एस, ये मेरा हो गया आर एच एस, तो हम लोग आर एच एस से चलेंगे, मानेंगे नाइन अपॉन फोर दोनों में कॉमन है देन अगर हम लोग आर एच एस से चलते हैं देन एक्स मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स
टू रूट टू अपॉन थ्री, देन साइन ये इधर आएगा, देन साइन एक्स मेरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू टू रूट टू अपॉन थ्री, कॉस एक्स मेरा निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब टू रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा नाइन माइनस ये क्या हो जाएगा एट अपॉन थ्री का होल स्क्वायर मतलब नाइन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा वन अपॉन नाइन का स्क्वायर रूट, देन कॉस एक्स मेरा हो जाएगा वन अपॉन थ्री, ये मेरा कॉस एक्स हो गया। अब हम लोग बाई क्या माने थे, साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री, नाउ बाई मेरा है साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री, देन साइन बाई मेरा क्या हो जाएगा साइन बाई इक्वल टू वन अपॉन थ्री, देन कॉस बाई मेरा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, देन नाइन माइनस वन अपॉन नाइन स्क्वायर रूट ऑफ एट अपॉन नाइन, देन मेरा हो जाएगा क्या कॉस बाई हो गया टू रूट टू अपॉन थ्री, कॉस बाई मेरा हो गया टू रूट टू अपॉन थ्री, तो साइन एक्स कॉस बाई साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई हम लोग चारों वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, इधर मिला साइन में है, देन हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स प्लस वाई, हम लोग क्या जानते हैं साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स इंटू वाई मेरा क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स मेरा टू रूट टू अपॉन थ्री इंटू कॉस वाई मेरा क्या है टू रूट टू अपॉन थ्री प्लस कॉस एक्स मेरा वन अपॉन थ्री, साइन साइन वाई भी मेरा क्या है वन अपॉन थ्री, देन एट अपॉन नाइन प्लस वन अपॉन नाइन, देन मेरा क्या हो जाएगा नाइन अपॉन नाइन इक्वल टू वन, नाइन अपॉन नाइन इक्वल टू वन, देन मेरा क्या आ गया साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई मेरा क्या है साइन इनवर्स वन, साइन 90 डिग्री मेरा क्या होता है साइन पाई अपॉन टू मेरा वन होता है, देन साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन टू, देन ये मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा थीटा पाई अपॉन टू, देन एक्स प्लस वाई मेरा क्या आ गया पाई अपॉन टू। अब मेरा आर एच एस कितना था, आर एच एस मेरा था नाइन अपॉन फोर, एक्स प्लस वाई माने थे यहाँ पे, देन मेरा आर एच एस कितना हो गया था नाइन अपॉन फोर, अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस वाई नाइन बाई फोर एक्स प्लस वाई, यहाँ पे नाइन अपॉन फोर एक्स प्लस वाई का मान पाई अपॉन टू, देन मेरा क्या हो गया नाइन पाई अपॉन एट, दिस इज एल एच एस, देन मेरा क्या हो गया आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, दिस इज द प्रॉब्लम अप टू 12। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।